नमस्कार दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 3 है फार्म पावर एंड फार्म मशीनरी का और हम लोग तैयारी कर रहे हैं UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो 712 पोस्ट निकली हुई है ई में, उसी के लिए। तो अपन शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक है डिफरेंट सिस्टम ऑफ आईसी इंजन कूलिंग लुब्रिकेटिंग फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो आज टॉपिक थोड़ा स्पीड में शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो शुरू करते हैं। डिफरेंट सिस्टम अवेलेबल फॉर इफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ एन इंजन और एज फॉलो। जो इंजन की फंक्शनिंग होती है, इफिशियंट फंक्शनिंग होती है, उसको चालू रखने के लिए, उसको रनिंग करने के लिए बहुत से सिस्टम अवेलेबल हैं, जो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला फ्यूल सप्लाई सिस्टम, जिसमें फ्यूल होता है, फिर लुब्रिकेटिंग सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम और गवर्नर। यही मेन आज के टॉपिक में ही पांचों के बारे में जानेंगे। इनकी वर्किंग क्या है, इनकी क्या सिस्टम है, सभी इसी को हम पकड़ के चलेंगे। अब देखो, फ्यूल इज ए सबस्टम कंज्यूम्ड बाई द इंजन टू प्रोड्यूस पावर। तो यानी इंजन जो फ्यूल होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इंजन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, और क्या मिलता है हमको, रिजल्टेंट हमको मिलता है, प्रोड्यूस पावर मिलता है। और जो आईसी इंजन में कॉमन फ्यूल जो यूज होते हैं वो हैं पेट्रोल, केरोसिन, पावर केरोसिन और एचएसडी। मतलब हाई स्पीड डीजल। अब इसको कैलोरीफिक वैल्यू आप फ्यूल होता है, तो इसका यूनिट सबसे पहले हमें ध्यान देना है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, किलो कैलोरी पर केजी। और इसके बारे में हम जानते हैं, कुछ फ्यूल दिए हैं इनके बारे में। LDO यानी लाइट डीजल ऑयल, इसका 10,300 होता है। HST यानी हाई स्पीड डीजल का होता है 10,550। फिर पावर केरोसिन का होता है 10,850। हाँ, 10,850 होता है पावर केरोसिन के, यानी पावर केरोसिन हमेशा HSD से भी ज़्यादा होती है, LDO से भी ज़्यादा होती है। और पेट्रोल का सबसे ज़्यादा होता है 11,100। आगे चलते हैं, फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन स्पार्क इंजन में फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होते हैं। तो फ्यूल टैंक होता है, सेडिमेंट बाउल होता है, फ्यूल लिफ्ट पंप होता है। फ्यूल लिफ्ट पंप को फ्यूल फीड पंप भी बोलते हैं, इसको ध्यान देना। अगर फ्यूल फीड पंप आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कार्बोरेटर होता है और फ्यूल पाइप होता है। और कुछ पंप में क्या होता है कि फ्यूल टैंक जो होता है उस कार्बोरेटर के ऊपर होता है, तो उसमें फ्यूल लिफ्ट पंप की ज़रूरत नहीं होती, नहीं फ्यूल फीड पंप की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फ्यूल जो है अंडर द ग्रेविटी जो है सप्लाई होता रहता है। अब आगे चलते हैं, और थ्योरी तो इतना ज़्यादा पढ़ने में टाइम नहीं कर सकते आप लोग, थ्योरी पढ़ते रहिएगा, मैं आपको बोलता चला जाता हूँ। या फिर हम अपन एक फिगर देखेंगे, ये फ्यूल टैंक लगा है, फ्यूल टैंक से फ्यूल जाता कहाँ, फ्यूल फिल्टर में जाता है, और फ्यूल फिल्टर के बाद ये कार्बोरेटर में जाता है, और ये एयर क्लीनर लगा होता है, ये यहाँ पे वो एयर फिल्टर के जरिए वो खींचता है, और इसके बाद जो है कार्बोरेटर में आता है। कार्बोरेटर जो है इंजन तक जो है इंजन में तक जो है फ्यूल एयर का मिक्सचर पहुँचाता रहता है। अब आगे चलते हैं, कार्बोरेटर अभी बताया, एयर फ्यूल के मिक्सचर को जो है प्रिपेयर कराता है ये कार्बोरेटर, कहाँ, इंजन से पहले, तो वही इंजन से पहले है, और इस प्रक्रिया को कार्बोरेशन कहते हैं। जो डिवाइस कार्बोरेशन को कंप्लीट करते हैं उसे कार्बोरेटर कहते हैं। इंजन ऑफ फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर, जो कार्बोरेटर का फंक्शन होता है, ये चार पॉइंट हमको थारोली या मतलब रट्टा मार तो नहीं कह सकते, बस एक ऐसे दिमाग में रखो और आराम से याद आ जाएंगे। सबसे पहली बड़ी बात, ये मिक्स द एयर एंड फ्यूल थारोली करते हैं, और ऑटोमाइज फ्यूल का ऑटोमाइजेशन करते हैं, रेगुलेट द एयर फ्यूल रेशियो एट डिफरेंट स्पीड एंड लोड ऑफ इंजन। अगर स्पीड कम हुई या स्पीड ज़्यादा हुई तो कितना फ्यूल हमको और एयर का, फ्यूल और एयर का मिक्सचर में सप्लाई करना, ये भी रेगुलेट करते हैं। टू सप्लाई करेक्ट अमाउंट ऑफ मिक्सचर एट डिफरेंट स्पीड एंड लोड, बात यही हुई घुमा फिरा के, ये यहाँ रेगुलेशन की बात आ गई, यानी रेगुलेट करता है और यहाँ सप्लाई भी करता है, ठीक है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन डीजल इंजन, फ्यूल सप्लाई सिस्टम डीजल इंजन में कौन सा होता है, फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल लिफ्ट पंप होता है, फ्यूल फिल्टर पंप होता है, हाई स्पीड पाइप भी होता है, हाई प्रेशर पाइप, स्पीड नहीं, हाई प्रेशर पाइप होता है, ओवरफ्लो वाल्व होता है, और फ्यूल इंजेक्टर होता है। ओवरफ्लो वाल्व क्या होता है, जब हमें फ्यूल की सप्लाई हो जाती है उसके वापस फ्यूल टैंक में रिटर्न कराने के लिए ओवरफ्लो वाल्व हमें प्रोवाइड कराया जाता है। फ्यूल इज ड्रॉन फ्रॉम फ्यूल टैंक,
बाय फ्यूल फीड पंप एंड फोर्स्ड इंजेक्शन पंप थ्रू फ्यूल फिल्टर। और ये सब लिखा है, हम आपको सीधा फिगर पे ले चलते हैं क्या है, आप ये थ्योरी इसको रोक करके ये वाला जरूर पढ़िएगा। अब आगे चलते हैं, ये देखो ये फिगर पे, ये फिगर हमें ध्यान से देखना है कि फ्यूल टैंक है, यहाँ फ्यूल फिल्टर है, ये कार्बोरेटर है, यहाँ कमरोल से गया, फिर इसके बाद जो भी एक्सेस फ्यूल हुआ वो वापस फ्यूल टैंक में, ये देखो सब वापस आ रहा है, ठीक है। और ये पिस्टन हुआ, ये क्रैंक शाफ्ट हुआ, ये फ्लाई व्हील हुआ वगैरह वगैरह, ये सब है, ठीक है। और ये टाइमिंग वाल वगैरह, जो वाल इनलेट और एग्जॉस्ट वाल लगे हैं वो सब हैं, ये सब हो गया। और तो अपन आगे चलते हैं फ्यूल टैंक के बारे में, फ्यूल टैंक ये स्टोरेज करता है किस चीज़ का फ्यूल। और इसके बाद फ्यूल लिफ्ट पंप ये होता है फ्यूल टैंक के बाद लगता है, जो फ्यूल ट्रांसफ़र करता है फ्यूल टैंक टू इंटेक गैलरी आप फ्यूल इंजेक्शन पंप। और ये जो प्रीमरी फिल्टर होता है ये भी सेडिमेंट बाउल असेंबली कहते हैं, दिस फिल्टर इज मोस्टली फिटेड ऑन फ्यूल लिफ्ट पंप और इट प्रिवेंट फॉरेन मटेरियल फ्रॉम रीचिंग इनसाइड फ्यूल लाइन इनसाइड द फ्यूल लाइन। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास कैप विद ए गैस्केट, ये वाला लाइन भी याद रखना है कि अगर फ्यूल प्रीमियरली फिल्टर जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ग्लास कैप विद गैस्केट की का बना होता है फ्यूल फिल्टर। इसके बाद होता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर होता है, दो तरह के, प्राइमरी जो होता है ये कोर्स मटेरियल वाटर एंड डस्ट जो आता रहता है उसको फिल्टर करता है, सेकेंडरी फिल्टर क्या करता है फाइन डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है। फिर फ्यूल इंजेक्शन क्या होता है, इट इज़ ए हाई प्रेशर पंप होता है, ये हाई प्रेशर पंप हुई सप्लाई, एक हाई प्रेशर पंप होता है जो सप्लाई करता है फ्यूल को, कहाँ करता है इंजेक्टर, और एक किसकी तरह करता है जैसा फायरिंग ऑर्डर ऑफ द इंजन, जैसा फायरिंग ऑर्डर रहेगा उसी हिसाब से इंजेक्टर तक पहुँचाएगा, ये हाई प्रेशर पंप होता है, ध्यान देने वाली बात है। और इट यूज टू क्रिएट प्रेशर बैरीज 120 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर को जनरेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल टू ईच सिलेंडर एट एप्रोप्रिएट टाइम, कितना फ्यूल हमको किस समय चाहिए कितना चाहिए ये प्रत्येक सिलेंडर तक एक परफेक्ट टाइम पे सप्लाई करता है इंजेक्शन पंप हमारा। एयर वेंटिंग ऑफ फ्यूल सिस्टम व्हेन एयर हैज़ इंटर्ड द फ्यूल लाइन और सक्शन चैम्बर ऑफ इंजेक्शन पंप, वेंटिंग शुड बी डन प्रॉपरली, एयर इज रिमूव्ड बाय द प्राइमिंग पंप थ्रू द ब्लीडिंग होल ऑफ द इंजेक्शन पंप, ठीक है। जो एयर वेंटिंग, अगर हमारा जो है एयर जो होता है वो फ्यूल लाइन या फिर सक्शन चैम्बर, जो इंजेक्शन पंप का सक्शन चैम्बर होता है उसमें अगर एयर हमारी घुस जाए तो एक वेंटिंग हमेशा वेंटिंग जो होती है एक ऐसी डिवाइस होती है किसी भी चीज़ में जो एक्सेस या अनवांटेड एयर होती है उसको निकालने के लिए वेंटिंग से, अभी तो शॉपिंग मॉल में भी वेंटिंग चैम्बर्स लगाए जाते हैं ऊपर ऊपर जो हवा को पास करते रहते हैं, तो वेंटिंग मतलब बस हवा को निकालने वाला, और हवा मतलब ऐसी हवा जो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अनवांटेड उसको निकालने के लिए वेंटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो एयर वेंटिंग इसमें भी सेम काम करती है, अगर फ्यूल लाइन या फिर इंजेक्शन पंप के सक्शन चैम्बर में एयर पहुंच गई है तो उसको निकालने के लिए एयर वेंटिंग प्रोवाइड कराई जाती है। एयर इज रिमूव्ड बाय द प्राइमिंग पंप, इसे प्राइमिंग पंप कहते हैं उसको, थ्रू द ब्लीडिंग होल के जरिए भी निकालता है ऑफ द इंजेक्शन पंप, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर, इट इज द कंपोनेंट हुई डिलीवर फाइनली ऑटोमाइज्ड फ्यूल अंडर हाई प्रेशर टू द कंबसन चैम्बर, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो फाइनली ऑटोमाइज फ्यूल का मतलब होता है जो सारी प्रक्रियाओं से निकल गया, जो अभी हम ऊपर प्रक्रियाएं पढ़ चुके हैं कि फिल्टर भी हो गया उसको प्रेशर भी जनरेट कर लिया गया वगैरह वगैरह, उसके बाद इसको अपने बर्न कंबशन स्टेज पर आ गया उसको, लेकिन अभी कंबशन हुआ नहीं इसलिए उसको फाइनली ऑटोमाइज फ्यूल कहेंगे, विद हाई प्रेशर टू द कंबसर चैम्बर, फ्यूल इंजेक्टर का यही काम होता है इसको सप्लाई करना। मॉडर्न ट्रैक्टर इंजन कैन मॉडर्न ट्रैक्टर इंजन यूज फ्यूल इंजेक्टर विद हैव मल्टीपल होल्स, वो मल्टीपल होल्स वाले यूज करते हैं
और फ्यूल इंजेक्टर जो होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, नोजल बॉडी एंड निडिल वॉल। द निडिल वॉल इज ए प्रेशर अंगेंस्ट कॉनिकल सीट इन द नोजल बॉडी बाई ए स्प्रिंग। जो नोजल बॉडी निडिल वॉल होता है प्रेस किया होता है, प्रेस्ड मतलब घुसाया हुआ है, अंगेंस्ट कॉनिकल सीट इन द नोजल बॉडी बाई स्प्रिंग। द इंजेक्शन प्रेशर इज एडजस्टेड बाई एडजस्टिंग ए स्क्रू। इन ऑपरेशन फ्यूल फ्रॉम इंजेक्शन पंप इंटर द नोजल बॉडी थ्रू हाई प्रेशर पाइप। व्हेन फ्यूल प्रेशर बिकम सो हाई दैट इज एक्सीड टू सेट द स्प्रिंग प्रेशर द नीडल वॉल लिफ्ट ऑफ इट सीट। द फ्यूल इज फोर्स्ड आउट ऑफ नोजल स्प्रे होल इन टू द कंबशन चैम्बर। अब आगे चलते हैं अपने लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है? ये लुब्रिकेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे दो स्टील या मेटल के जो मेटेलिक पार्ट है वो एक दूसरे के ऊपर वर्क करता है। इंजन के अंदर ऑलरेडी बहुत ढेर सारे मूविंग पार्ट होंगे और जब मूविंग पार्ट होंगे उसमें तमाम तरह के लॉसेज होंगे, जैसे फ्रिक्शनल लॉस हो गया या फिर हीटिंग लॉस हो गया या फिर जो और होता है क्लीनिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब लॉस को बचाने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं। अब लुब्रिकेशन जो है ये क्या कैसे होता है, इसका पर्पज़ आप लुब्रिकेशन क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल इफेक्ट, कूलिंग भी करता है। अगर दो मेटल के पार्ट आपस में रगड़ेंगे, खुद ब खुद रगड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगे और जब उनके बीच में लुब्रिकेटिंग कर लिया जाएगा तो एक मतलब कूलिंग एजेंट के रूप में भी ये लुब्रिकेटिंग काम करता है और उसे मूविंग पार्ट को ठंडा रखता है। सीलिंग इफेक्ट, क्लीनिंग इफेक्ट, सील जो चीज़ रहेगी उसको भी प्रोवाइड कराता है, सील ही रखता है, उसको लीकेज नहीं होता है। अदरवाइज अगर खुद डायरेक्टली वहाँ पे मूविंग प्रक्रियाएं जारी हैं तो सील जो हमारा सील चैम्बर उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, क्लीनिंग इफेक्ट को भी प्रोवाइड कराता है। टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फैट, जानवरों की चर्बी जिसे कहते हैं, और वेजिटेबल एंड मिनरल। वेजिटेबल लुब्रिकेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड फ्रूट एंड प्लांट। अब वेजिटेबल वाला कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? वो अरंडी का बीज आता है ना, उससे भी ग्रीस तैयार होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसको कैस्टर बोलते हैं इंग्लिश में, कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल जो होता है उससे भी ग्रीस तैयार किया जाता है, और कॉटन सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, लिनसीड ऑयल, कैस्टर ऑयल आ गए, हार टू बी यूज्ड लुब्रिकेंट। अब आ सकता है कि जो वेजिटेबल या में से ऑयल तैयार किया जाता है लुब्रिकेंट हेतु उसमें कौन कौन से पौधे का होता है? तो ऑलिव का होता है, ऑलिव ऑयल होता है, लिनसीड ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल होता है, कॉटन सीड ऑयल होता है। कॉटन मतलब कपास का पौधा। और अब आगे बढ़ते हैं। मिनरल लुब्रिकेंट आर मोस्ट पॉपुलर क्योंकि ये इजिली अवेलेबल होते हैं और बहुत सस्ते होते हैं। ये इंजन और मशीन के लिए बहुत पॉपुलर होते हैं। इट ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम, जो पेट्रोल की का उत्खनन होता है उसमें से निकलते हैं, ये नेचुरली होते हैं। पेट्रोलियम लुब्रिकेंट आर लेस एक्सपेंसिव, अभी हमने कहा सस्ते होते हैं, एंड सूटेबल फॉर इंटरनल आईसी इंजन के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। इंजन जो होता है लुब्रिकेटिंग सिस्टम जो होता है इंजन के अंदर, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि किस किस पार्ट में लुब्रिकेशन की हमें ज़रूरत होती है, किस किस पार्ट में इसके बिना काम नहीं चल सकता है। अच्छा, लुब्रिकेशन सिस्टम आप एन इंजन इज एन अरेंजमेंट ऑफ मैकेनिज्म व्हिच मेंटेन द सप्लाई ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल टू द रबिंग सरफेस। रबिंग मतलब जो घिसने वाले जो दो मेटलिक या दो कोई भी सरफेस जो आपस में रगड़ घिस करते हैं उनको रबिंग सरफेस ऑफ एन इंजन एट करेक्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर। द पार्ट व्हिच रिक्वायर्ड लुब्रिकेशन आर, तो किस किस को लुब्रिकेशन चाहिए इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सिलेंडर वाल एंड पिस्टन पहला, फिर पिस्टन पिन होता है, फिर क्रैंकशाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड बियरिंग होता है, कैमशाफ्ट बियरिंग होता है, वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है, कूलिंग फैन होता है, वाटर पंप को भी चाहिए, और इग्निशन मैकेनिज्म को भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। अब आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। अगर कोई पूछे कितने प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में, तो स्प्लैश सिस्टम, फोर्स्ड फीड सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, फ्यूल
मिक्सर आप आईसी इंजन मस्ट बी इग्नाइट इन द इंजन सिलेंडर एट प्रॉपर टाइम फॉर यूजफुल वर्क अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट फॉर प्रोवाइडिंग इग्निशन एट प्रॉपर टाइम इन द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड इग्निशन सिस्टम टाइप ऑफ इग्निशन सिस्टम कितने तरह का होता है अपन इसको पोस्ट पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से पढ़ देते हैं स्पार्क होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क उसमें लगा रहता है स्पार्क इंजन होता है इग्निशन बाय हीट और कंप्रेशन ये वाला कंप्रेस कर दिया जाता है उसमें फ्यूल का मिक्सचर एयर पहुंचता है फ्यूल का मिक्सचर नहीं होता है सीधा एयर जाता है इसके बाद फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा जो है सीधा फ्यूल जो है हाई प्रेशर पे स्प्रे किया जाता है चूँकि हाई प्रेशर होता है टेम्परेचर जो है भी ज़्यादा होता है हमेशा ध्यान देना जो पीवी डायग्राम होता है प्रेशर और वॉल्यूम सॉरी पीवी डायग्राम में अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम हमारा कम होगा और प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे से सीधा संबंधित होते हैं अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा जबकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा ठीक है अब आगे अपन चलते हैं इग्निशन बाय हॉट ट्यूब और हॉट बल्ब और इग्निशन बाय ओपन फायरिंग और अपन लेकिन दो ही क्यों यूज करते हैं कौन सा इलेक्ट्रिक और कंप्रेशन वाला ये हॉट बल्ब हॉट ट्यूब और ओपन फायरिंग ये सब का यूज ही नहीं होता बस नाम के काम का कुछ है नहीं यूज में ही नहीं आता एग्रीकल्चर पर्पज़ में तो है ही नहीं उसका स्पार्क इग्निशन में तो आपको बताया गया था कि इसमें जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है और एक टाइम पे जो है सर्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द ओपन गैप इन ईच सिलेंडर एट द एग्जैक्ट मोमेंट सो दैट द चार्ज में स्टार्ट बर्निंग विद मैक्सिमम एफिशिएंसी उसमें एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है एट द टाइम जो होता है परफेक्ट टाइम उसको स्पार्किंग दे दिया जाता है और वो बर्न कर जाते हैं स्पार्किंग सिस्टम दो प्रकार से होते हैं बैटरी और मैग्नेटो ये देखो बैटरी से भी होता है और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम क्या होता है अपन इसके बारे में पढ़े इन मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम ए मैग्नेटो इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्पार्क जो मैग्नेटो होता है वो यूज होता है के लिए जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस स्पार्क होता है और जैसे स्पार्क होता है वो बर्न कर जाता है ये हाई टेंशन मैग्नेटो जनरेट ए वेरी हाई वोल्टेज नीडेड फॉर स्पार्क ये हाई टेंशन जो मैग्नेटो होता है वो हमको क्या जनरेट क्या करता है वेरी हाई वोल्टेज स्पार्क और ये मैग्नेटो अपन पढ़े बैटरी तो ऑलरेडी लाइट प्रोवाइड कराती है तो उसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है तो मेन कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटो क्या होता है फ्रेम होता है परमानेंट मैग्नेट उसके अंदर फ्रेम होता है फ्रेम के अंदर मैग्नेट लगा रहता है आर्मेचर होता है दरअसल क्या होता है मैग्नेट में भी खुद ब खुद करंट फ्लो होता है और जो एक हमारा करंट होता है जो परिपथ होता है उसके आजू बाजू हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी दोनों चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर मैग्नेट हो दोनों में ही दोनों चीज़ें मौजूद रहती हैं बस मायने रखता है कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है मैग्नेट में जाहिर बात मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा ये अपन लोग को ध्यान देना है और रोटर होता है सॉफ्ट आयरन फील्ड होता है प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होता है और ब्रेकर पॉइंट होता है कंडेंसर होता है द आर्मेचर कौन सी टॉप आयरन जो आर्मेचर होता है वो क्या होता है कौन सी टॉप आयरन आयरन कोर ऑन विच देयर आर टू सेट ऑफ बाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग होती है द आर्मेचर इज ड्राइवन बाय द इंजन जो आर्मेचर होता है वो इंजन के द्वारा हो जो है ड्राइव किया जाता है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेल्फ स्टार्ट ही कह सकते हैं लेकिन बैटरी भी तो लगा रहता है आर्मेचर इज ड्राइवन बाय द इंजन एंड आर्मेचर रोटेट जब आर्मेचर रोटेट करता है द प्राइमिंग वाइंडिंग कट द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन द प्राइमरी सर्किट एट द प्राइमरी करंट रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन इच डायरेक्शन द प्राइमरी सर्किट इज सडनली ओपन बाय द कॉन्टैक्ट ब्रेकर एंड द करंट कोलैप्स जो करंट होता है कोलैप्स होता है द एक्शन इंड्यूस ए वेरी हाई वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग व्हिच कॉज ए मोमेंटरी स्पार्क टू जंप एट स्पार्क प्लग गैप ए डिस्ट्रीब्यूटर इज प्रोवाइडेड फॉर कैरिंग करंट टू द स्पार्क प्लग थ्रू द हाई टेंशन वायर द कंडेंसर इज यूज टू एलिमिनेट द आर्जिंग एट द
breaker point and intensify the current in the secondary circuit. For multi-cylinder engine, a distributor and a rotor are required to distribute the current to different spark plug. अभी यहाँ पे देखिए, अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर अलग से प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि मैग्नेटो टाइप में, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे क्या, कूलिंग सिस्टम दोस्तों। हाँ, कूलिंग सिस्टम, फ्यूल इज बर्न इनसाइड, जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल बर्न होता है तो सिलेंडर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और पावर स्ट्रोक के दौरान 1600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है। एंड दिस इज ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, ये जो होता है 1600 डिग्री, ये मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा होता है। द बेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ आई सी इंजन लाइव बिटवीन 140 फारेनहाइट से 200 फारेनहाइट। अगर कोई आ जाए कि आई सी इंजन के ऑपरेटिंग करने के लिए सबसे परफेक्ट टेम्परेचर क्या होता है, 140 फारेनहाइट से 200 फारेनहाइट, ठीक है। एंड हैंस कूलिंग ऑफ आई सी इंजन इज हाईली, चूँकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है और हमको इतना कम पे ही परफेक्ट रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए कूलिंग जरूरी होती है। अदरवाइज हमारे पार्ट डिफेक्टेड हो जाते हैं, मेल्ट हो सकते हैं, डिफेक्टेड हो सकते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 40% जो होता है, अबाउट 40% ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इज पास टू द एटमॉस्फेयर बाय एग्जॉस्ट। 30% इज रिमूव्ड बाई कूलिंग एंड 30% यूज। देखिए, जैसे कि हमारा इंजन है उसमें मान लो 100% जो पावर ऑफ जनरेशन हुई, 100% पावर नहीं, एफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है। लेनी लेकिन जो पावर हमारी प्रोड्यूस्ड हुई उसमें से जो भी हीट प्रोड्यूस हुई उसमें 40% जो है सीधा सीधा एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। 30% कूलिंग जो है के द्वारा ठंडा कर दिया जाता है, और 30% जो है प्रोड्यूस किया जाता है पावर करने के लिए। इसीलिए जो है जो पावर जनरेट करने की जो उसकी एफिशिएंसी होती है कितनी होती है 25 से 28 होती है पेट्रोल इंजन, 28 से 32 होती है डीजल इंजन की। थोड़ा ये ध्यान देने का एफिशिएंसी का पर्पज ऑफ कूलिंग क्या होता है, जो मेन ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि इफिशियंट ऑपरेशन अंडर ऑल कंडीशन होता रहे। अब देखिए अगला क्या है, टू डिसिपेट सरप्लस फ्रिक्शन ऑफ इंजन कंपोनेंट लाइक सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन रिंग एंड वाला। अगर इतना हीट को अपन बाहर डिसिपेट नहीं करेंगे तो ये जो अंदर प्रोडक्ट है हमारे सिलेंडर हेड, ये सब गल के रागा हो जाएंगे, ख़त्म हो जाने वाले हैं, इसलिए कूलिंग करना बहुत ज़रूरी है। टू मेंटेन द लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल इनसाइड द इंजन। अब आगे चलते हैं। अब ये नहीं वाला पोर्शन अपन फिर से एक बार पढ़ा था। टू मेंटेन द ऑयल की लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए भी कूलिंग की ज़रूरत होती है। अगर कूलिंग नहीं करेंगे जो ऑयल के अंदर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है वो ख़राब हो जाएगी, जैसे कि ग्रीस वगैरह, जो कुछ भी ऑयल उसके अंदर है, जो कुछ भी फ्यूल है या ऑयल है या ग्रीस है या जो कुछ भी उसके अंदर लगा रहे हैं, वो अगर ज़्यादा हीट होगा तो अपनी गुणवत्ता ख़त्म हो जाएगी। मेथड ऑफ कूलिंग, एयर कूल्ड होता है वायर कूल्ड। एयर कूल्ड में क्या होता है, फिन्स वगैरह लगे होते हैं, फिन्स के जरिए ठंडा हो जाता है। जैसे कि मोटरसाइकिल का इंजन है उसमें क्या होता है, अलग से वो पानी भरने की जरूरत नहीं होती है, इंजन के ऊपर से फिन्स का एक लगा रहता है, वो आराम से ठंडा करता है। और वाटर कूल्ड में क्या होता है, एक वाटर जैकेट होता है उसके अंदर पानी भर देते हैं और मस्त वो इंजन को ठंडा करता रहता है। और यही चीज़ ये लिखा है एयर कूल्ड सिस्टम का, कि ये डायरेक्टली जो है कंपोनेंट होता है इंजन को, हीट को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। प्रिंसिपल ऑफ एयर कूलिंग का क्या होता है, सिलेंडर ऑफ एयर फिन्स, वो बताया हमने अभी आपको, फिन्स और ये लगाया किस लिए जाता है, इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये नियम है, ये फिजिक्स का लॉ है, कि जितना ही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर लॉस होगा, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो कम स्पीड, इसलिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए फिन्स का प्रयोग किया जाता है। द सिलेंडर इज नॉर्मली इनक्लोज इन ए शीट मेटल केसिंग कॉल्ड कॉलिंग। द फ्लाई व्हील हैज ब्लेड प्रोजेक्टिंग फ्रॉम इट फेस सो दैट इट एक्ट लाइक ए फैन ड्रॉइंग एयर थ्रू ए होल इन ए कॉलिंग एंड डायरेक्टेड इट अराउंड द फिन सिलेंडर फॉर मेंटेन ऑफ एयर कूल सिस्टम पासेज ऑफ एयर इट केप्ट क्लीन बाय रिमूविंग ग्रासेस एक्सेट्रा।
बाई ए स्टीप ब्रश और कंप्रेशियर, ये इसका प्रिंसिपल हो गया दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं, सिंपल से प्रिंसिपल और कुछ था ना, कैसे कि उसमें सिलेंडर से हवा निकाली गई सबकी मदद से, इसके बाद उसको फिन्स तक पहुंचाया गया, यही इसका प्रिंसिपल है। एडवांटेज क्या है ये कूलिंग एयर कूल्ड इंजन का, ये डिजाइन में सिंपल होते हैं, कंस्ट्रक्शन में होते हैं। वाटर जैकेट, रेडिएटर, वाटर पंप, थर्मोप्लास्ट पाइप, हॉज आर नॉट रिक्वायर्ड भाई, यही से और जो हॉज पाइप वगैरह होती है इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, लाइटर इन वेट होता है, मोटरसाइकिल में लगा होता है। डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है, दियर इज अनइवन कूलिंग ऑफ इंजन, फाट अनइवन कूलिंग होता है और इंजन टेम्परेचर इज जनरली हाई ड्यूरिंग वर्किंग पीरियड, इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है ठंडा करने की, तो इंजन का टेम्परेचर अपने आप ज़्यादा रहता है, जबकि वाटर कूल्ड में ऐसा नहीं होता है, वाटर कूल्ड ज़्यादा ठंडा रखता है। वाटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें जो कूलिंग मीडियम होता है वाटर होता है, इसमें वाटर एक वाटर जैकेट में भर दिया जाता है। वाटर इज सर्कुलेटेड राउंड सिलेंडर के राउंड राउंड घूमता है टू हीट बाई द सिलेंडर, जो सिलेंडर का हीट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सिलेंडर का राउंड राउंड घूमता है। द हीटेड वाटर इज कंडक्टेड थ्रू ए रेडिएटर टू रिमूव द हीट एंड कूलिंग द वाटर, जो हीटेड वाटर होता है उसको बाद में कंडक्टेड थ्रू रेडिएटर टू रिमूव द हीट एंड कूल द वाटर, सिंपल सा और कोई इश्यू नहीं है। मेथड ऑफ वाटर कूलिंग क्या है, ओपन जैकेट हॉपर मेथड जो होता है, सीधा जैकेट लगा रहता है जिसे जनरेटर जेनसेट होता है उसमें ओपन जैकेट होता है, सीधा पानी भर दिए या हॉपर लगा उसमें पानी भर दिए वगैरह वगैरह। थर्मोसाइफन मेथड होता है, फूड सर्कुलर मेथड गाँव वाले डीजल इंजन में आता है दोस्तों। ओपन जैकेट मेथड हम आपको बताए थे, किसी वहाँ पे लगा रहता है एक हॉपर या जैकेट प्रोवाइड कराया जाता है, उसमें पानी भरा रहता है और उसके ज़रिए ठंडा होता है। और जबकि थर्मोसाइफन जो मेथड होता है दोस्तों ये, तो दोस्तों बात ये है कि ये जो अभी अपन पढ़े ओपन जैकेट मेथड, इसमें क्या होता है, अभी भी हमने बताया सिलेंडर के अंदर पानी भर दिया जाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें अगर पानी हमारा ज़्यादा गर्म हो गया तो उसको बाद में ठंडे पानी से रिप्लेस कीजिए, जनरेटर में ज़्यादा देर तक चलता रहता है उसमें एक्स्ट्रा पानी भी डालना पड़ता है, या फिर वो जो पानी पुराना था वो जल के निकल जाता है, लेकिन इसको बार बार हमको कोल्ड वाटर से रिप्लेस करना पड़ता है। और जो कि थर्मोसाइफन में होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक रेडिएटर होता है, वाटर जैकेट होता है, फैन होता है, टेम्परेचर गेज होता है एंड हॉज कनेक्शन होता है। द सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट वाटर व्हिच सराउंड द सिलेंडर बिकेम लाइटर एंड राइज वार्ड इन लिक्विड कॉलम, हॉट वाटर गोज टू द रेडिएटर व्हेन इट पास थ्रू ट्यूब सराउंडिंग बाई एयर, सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ड्यू टू द रीजन दैट वाटर जैकेट एंड रेडिएटर आर कनेक्टेड एट बोथ साइड टॉप एंड बार बॉटम, ए फैन इज ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ बी बेल्ट टू सक एयर थ्रू ट्यूब ऑफ रेडिएटर यूनिट कूलिंग रेडिएटर वाटर। द डिसएडवांटेज ऑफ द सिस्टम इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बाई एकोमोडेशन ऑफ स्केल और फॉरन मैटर इन द पासेज एंड कंसिक्वेंटली काजिंग ओवर हीट ऑफ द इंजन। अब थर्मोसाइफन ये हो गया, अब अगला पढ़ते हैं फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम। इन दिस मेथड ए वाटर पंप इज यूज टू फोर्स वाटर फ्रॉम रेडिएटर टू वाटर जैकेट, इसमें एक वाटर पंप जो है प्रोवाइड कराया जाता है जो वाटर को फोर्स करता है कहाँ से, रेडिएटर से कहाँ तक, वाटर जैकेट तक। ओके, वाटर जैकेट कहाँ होता है, इंजन के पास। आफ्टर सर्कुलेटिंग द इंटायर रन ऑफ वाटर जैकेट वाटर कम बैक टू द रेडिएटर वेयर इट लॉसेज इट्स हीट बाय प्रोसेसिंग ऑफ रेडिएशन, फिर से जब वापस होता है तो रेडिएशन में उसको हीट रिड्यूसिंग की वजह से उसका टेम्परेचर लॉस हो जाता है। टू मेंटेन द करेक्ट इंजन टेम्परेचर ए थर्मो स्टेट वॉल्व इज placed at the outer end of cylinder head, cooling liquid is bypassed through the water jacket at the engine until the engine attain the desired temperature, the thermostat valve open and bypassed is closed allowing the water to go to the radiator। The system concept of, इसमें क्या है, thermo
स्टेट जो नहीं सॉरी फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम होता है, इसमें 8 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? वाटर पंप होते हैं, रेडिएटर होता है, फैन होता है, फैन बेल्ट होता है, वाटर जैकर होता है, थर्मोस्टेट वाल्व होता है इसमें, और टेम्परेचर गेज होता है, हॉस पाइप होता है। अब वाटर पंप में एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ये वो जो पानी वगैरह को वाटर जो रेडिएटर का बॉटम है एंड वहाँ से पानी निकालता है, और जो इंजन के सराउंडिंग वाटर जैकेट है वहाँ तक पहुँचाता है। वाटर पंप का ही काम है। थर्मोस्टेट का वाल्व का क्या काम है? इट इज़ द कंट्रोल, इट इज़ ए कंट्रोल वाल्व यूजिंग ए इन कूल्ड सिस्टम टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर व्हेन द व्हेन एक्टिवेटेड बाई ए टेम्परेचर सिग्नल। जब टेम्परेचर सिग्नल जो है एक्टिवेट किया जाता है तो ये फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है, इसको थर्मोस्टेट वाल्व बोलते हैं। फैन इज माउंटेड ऑन द वाटर पंप शाफ्ट, इट इज ड्राइवन बाय द सेम बेल्ट एंड बेल्ट दैट ड्राइव द पंप एंड डायनमो। द पर्पज ऑफ रेडिएटर इज टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट ऑफ एयर थ्रू द रेडिएटर टू इम्प्रूव इंजन कूलिंग। वाटर जैकेट, वाटर जैकेट क्या होता है? वाटर जैकेट एक पैसिव कोर आउट अराउंड द इंजन। वाटर जैकेट क्या होता है? इंजन के अराउंड जो है होता है, जो इंजन सिलेंडर होता है उसके उसके चारों तरफ होता है, और एज वेल एज अराउंड द वाल ओपनिंग, वो जो वाल की ओपनिंग होती है उसके अराउंड भी होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है इस चैप्टर में, आगे बढ़ते हैं अपन, इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो गवर्नर पढ़ते हैं। गवर्नर पढ़ते हैं। गवर्नर इज ए मैकेनिकल डिवाइस डिजाइन टू कंट्रोल द स्वेट आप इस सॉरी स्पीड ऑफ इंजन। जो गवर्नर होता है इंजन की, ये यहाँ पे स्पीडिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा प्रिंटिंग में, थोड़ा सा इसको स्पीड पढ़ना, ठीक है। गवर्नर इज ए मैकेनिकल डिवाइस डिजाइन टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंजन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट यूज ऑन ट्रैक्टर ऑफ स्टेशनरी इंजन फॉर मेंटेनिंग ए नियरली कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ इंजन अंडर डिफरेंट लोड कंडीशन। ये किस लिए यूज में आता है गवर्नर? मेंटेनिंग ए नियरली कॉन्स्टेंट स्पीड, इंजन की कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए अंडर डिफरेंट किसी भी लोड के कंडीशन के लिए कॉन्स्टेंट स्पीड प्रोवाइड कराता है गवर्नर। दूसरा प्रोटेक्टिंग द इंजन एंड अटैच्ड इक्विपमेंट अगेंस्ट हाई स्पीड व्हेन द लोड इज रिमूव्ड और रिड्यूस्ड। ये इंजन, ये जो है गवर्नर, ये इंजन और उससे इंजन से जुड़े हुए अटैच्ड इक्विपमेंट होते हैं अगेंस्ट, जब उसको जो है प्रोटेक्शन प्रदान करता है किसके अगेंस्ट में? हाई स्पीड के अगेंस्ट में। व्हेन लोड इज रिमूव्ड और रिड्यूस, लोड अगर बढ़ रहा है तो भाई इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, अगर लोड घट रहा है तो एकाएक इंजन बहुत तेज़ी से चलने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है उसका प्रोटेक्शन करता है इंजन का, दो काम करता है। टाइप ऑफ गवर्नर, गवर्नर तीन प्रकार के होते हैं। पहला सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, न्यूमेटिक गवर्नर, पी इसमें साइलेंट रहेगा इसे न्यूमेटिक पढ़ते हैं, और हाइड्रोलिक गवर्नर। अब अपन तीन तरह के होते हैं, ध्यान देना है, सेंट्रीफ्यूगल, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक गवर्नर। अब गवर्नर का रेगुलेशन पढ़ेंगे। द गवर्नर इज फिटेड ऑन एन इंजन फॉर मेंटेनिंग ए कांस्टेंट स्पीड इवन देन सम वेरिएशन इन स्पीड इज ऑब्जर्व एट फुल लोड एंड नो लोड कंडीशन। तो गवर्नर क्या होता है? इंजन में फिट होता है किस लिए? कांस्टेंट स्पीड के लिए, इवन जब हमको हमारा वेरिएशन स्पीड हो, जो वेरिएशन की स्पीड हो जो ऑब्जर्व की जा रही हो, चाहे फुल लोड एंड नो लोड, जैसे कि इंजन वही है, वर्किंग वही है, हमको फुल लोड है नहीं या नो लोड है, अब ऐसे में कांस्टेंट स्पीड चाहिए, इसीलिए गवर्नर की ज़रूरत होती है, और गवर्नर इसको कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड कराता है। अब लोड है नहीं लोड है दोनों कंडीशन में, इन नॉर्मलिंग नॉर्मल वर्किंग ए वेरिएशन ऑफ 100 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है ऑब्जर्व किया जाता है फॉर फुल लोड एंड नॉन लोड के लिए, कंडीशन फॉर ए गुड गवर्नर। यानी गुड गवर्नर के लिए जो वेरिएशन होता है फुल लोड एंड नो लोड के लिए वो 100 रेवोल्यूशन पर मिनट होता है।
हैंस इट इज़ पॉसिबल टू रेगुलेट द गवर्नर टू मेंटेन हाइयर आर लोअर स्पीड बाय चेंजिंग द टेंशन ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होती है उसको उसके टेंशन को कम करके या ज़्यादा करके गवर्नर के स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। द एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशन डन द एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशन डन इट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंटेज, और इस परसेंटेज को क्या कहते हैं, परसेंटेज रेगुलेशन। इट इज़ आल्सो नोन एज स्पीड ड्रॉप भी कहते हैं। इट इज़ द वेरिएशन इन द इंजन स्पीड बिटवीन फुल लोड एंड नो लोड कंडीशन। इट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ रेटेड स्पीड दैट इज गिवन बाय आर बराबर एन वन माइनस एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू फिर ये डिवाइड बाई टू इंटू हंड्रेड। आर ये परसेंटेज रेगुलेशन है जो अभी अपन ऊपर पढ़े, एन वन स्पीड ऑफ नो लोड एट नो लोड, एन टू स्पीड ऑफ एट फुल लोड, और ये दोनों आर पी एम में होते हैं। अब तमाम रेगुलेशन है। प्रॉब्लम फाइंड द परसेंटेज रेगुलेशन इन गवर्नर इफ स्पीड एट नो लोड इतना रेगुलेशन एंड फुल लोड। फार्मूला वही है, आप रख के सोल्यूशन करें, ये सवाल पक्का आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सवाल, परफेक्ट सवाल है, और बस इसमें कुछ रखना नहीं है, बस एन वन एन टू हमको मालूम है। पहले एन वन एन टू को हम 1600 माइनस 1500 फिर 1600 1500 को जोड़ करके दो से भाग दे देंगे और ऊपर फिर इंटू 100 कर देंगे, वो जो आए वही हमारा परसेंटेज हो गया। अब आगे चलते हैं अपन गवर्नर हंटिंग पे। गवर्नर हंटिंग पढ़ेंगे। गवर्नर हंटिंग क्या होता है, इरेटिक मतलब अनियमित वेरिएशन होता है किस चीज़ का, स्पीड ऑफ गवर्नर, यानी इसमें जो गवर्नर होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और जिसकी वजह से हम जो स्पीड होती है इंजन की वो फ्लक्चुएट करती है, वो बहुत टू फास्ट और टू स्लो, और इसी हिसाब से जो उसके स्लीप्स होते हैं वो कभी इंजन को बहुत ज़्यादा तेज कर देते हैं क्विकली अप, और क्विकली उनका स्पीड बहुत तेज कर जाती है, और सडनली रिस्पॉन्ड और स्पीड जो है फिर से सडनली क्विक ड्रॉप हो जाती है। और यही प्रोसेस लगातार जो है अगर इंजन में चलता रहा तो ये गवर्नर हंटिंग कहलाती है। और ये किस लिए हो, किस कारण होता है, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ फ्यूल पम्प और कार्बोरेटर, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ आइडलिंग स्क्रू एंड एक्सेसिव फ्रिक्शन। हंटिंग में भी ड्यू टू गवर्नर बींग टू स्लिप स्टिप और ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्री मूवमेंट ऑफ गवर्नर कंपोनेंट। तो दोस्तों आज का यही टॉपिक था, और कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अप्रिशिएटिंग योर टाइम, थैंक यू।